आइए आइए खान साहब, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, सुभान अल्लाह, जहे नसीब। फरमाइए खान साहब, चाय पीजिएगा या कॉफी, दूध पीजिएगा या लस्सी, बिस्किट खाइएगा या पराठा। मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं कि पराठा खाऊं, लस्सी पीऊं या बिस्किट खाऊं? मस्काबाद में लगाइए, पहले ये बताइए कि हम यहां क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मकसद है हमारा? वो तो जाहिर है, आप इस बंगले का किराया वसूल करने आए हैं। समझदार हो मगर झूठे भी हो, मैं यहां के चक्कर काटते काटते खुद भी चकरा गया हूं, लिहाजा चुपचाप 6 महीने का किराया मेरे हवाले कर दो और उसके साथ साथ मकान भी खाली कर दो। खान साहब, आप इतने बेसब्रे क्यों हुए जाते हैं? बस 1 महीना और तकलीफ है, अगले महीने आकर सारा किराया ले जाइए। ऐसे वादे तो मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूं, बस ये आखिरी वादा समझिए। अच्छा तो मैं तुम्हें ये आखिरी मौका भी दिए देता हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा, समझे? बैरा कहाँ मर गया? अभी तक चाय लेकर नहीं आया। बैरा और खान सामा दोनों नौकरी छोड़कर चले गए। क्यों? तनख्वाह मांगते थे। तो तुमने टाल दिया होता। मेरे डैडी तो अपने नौकरों से बगैर तनख्वाह दिए 3 साल तक काम लेने का आर्ट जानते थे, और अब हमें 3 साल तक खाए पिए बगैर जिंदा रहने का आर्ट जानना पड़ेगा। डैडी जिंदा होते तो उनसे मशवरा कर लेते, मगर डार्लिंग अब होगा क्या, घर का काम काज कौन करेगा? सलमा कर लिया करेगी। मैं उस जाहिल से काम काज नहीं करवाना चाहती। डार्लिंग, मुझे 200 रुपए की जरूरत है, मेकअप का कुछ जरूरी सामान खरीदना है। पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास कोई पैसा नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। सलमा। जी भैया। रात मुझे सर्दी बहुत लगी है, सारी रात नींद नहीं आई। तुम असलम के पास जाओ, उससे एक लिहाफ मांग लाओ। अच्छा भैया, मैं कहती हूँ इस तरह सर पकड़ कर बैठने से क्या होगा, दफ्तर से एडवांस नहीं ले सकते तो फिर किसी सूदखोर से रुपया ले लो। मैं इस घर में फाके करने और मुसीबत उठाने नहीं आई हूँ। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी जब मैं क्लब की डांसर थी। भैया, रात भाईजान को बहुत सर्दी लगी है, उनके लिए कोई लिहाफ दे दो। यहाँ लिहाफ कहाँ से आया, हमने कोई लिहाफों की दुकान खोल रखी है? ये लो कंबल, इससे गुजारा कर लेना। असलम भैया, क्या तुम अपने बाप बराबर बड़े भाई को कुत्ते पे डालने वाला ये नापाक कंबल दे रहे हो? और क्या करें, अपना लिहाफ तुम्हें देकर ये कंबल खुद ओढ़ ले। लो भैया, ये आधा कंबल तुम रख लो। मैं इस आधे कंबल का क्या करूंगा? संभाल कर रख लो भैया, शायद कभी तुम्हारी औलाद के हाथों तुम पर भी ऐसा ही बुरा वक्त आ जाए जो आज तुम्हारे हाथों बड़े भैया पे आया हुआ है। सलमा, सुन लिया बहन का जवाब? हाँ मुखा, मेरे पप्पू का कंबल भी बर्बाद कर दिया।